Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. So, दर्शकों, जैसे कि हमने आप सबसे वादा किया था कि आज भी हम बने रहेंगे हमारी सिम्बा की पूरी स्टार कास्ट के साथ, तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग हाजिर हैं. सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे दोस्त रणवीर सिंह और डैशिंग हैंडसम डायरेक्टर मिस्टर रोहित शेट्टी. प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. हमने कल बहुत ज्यादा मस्ती की. सब लड़के लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे. बहुत मजा भी आ रहा था. लेकिन ग्लैमर का होना बहुत जरूरी है, तभी शेर निकलता है. शेर तो आपके बड़े निकलते हैं ग्लैमर देख के, आई नो. तो अब मैं जिनको मंच पे इनवाइट करने जा रहा हूँ. पाजी एक मिनट, एक गाना यार मेरे दिमाग में बैठ गया यार. कौन सा? अच्छा, एक गाना कल से जा नहीं रहा. कौन सा वाला था यार वो? चलो आप, वो पीछे छुट्टू सा क्या कंघी करके आ पहले बालों में. तो दोस्तों, अब मैं स्टेज पर जिनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जो फिल्म सिम्बा की लीड एक्ट्रेस है, जिन्होंने अभी अभी बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है अभी से जबरदस्त है. सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सारा अली खान. आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. अब आएगा शेर जी. चली आई चांदनी, गुलशन चहक गया, मतवाला समा कुछ और बहक गया. वाह, नई रंगत नई रौनक आई है फिल्म इंडस्ट्री में, आपके आने से बॉलीवुड महक कर. गॉड ब्लेस यू पाजी. सारा जो है, मैंने जैसे अभी बताया, अभी अभी मतलब अभी इनकी एक फिल्म आई केदारनाथ, और सिम्बा जो है इनकी दूसरी फिल्म है. इनके काम को इतना सराहा जा रहा है, और सिर्फ काम को ही नहीं सराहा जा रहा, जब ये इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पे प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तो जब ये बोलती हैं तो हमारा सारा मीडिया और जितने भी लोग देखते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं सारा. और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो में आई हैं. प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए. कहाँ कहाँ बिठाना है इनको? कहाँ विराजमान हो जाए? आप मेरे साथ ही बैठिए, अभी तो आप ही का सहारा है, बाकी तो यहाँ पे आ जाओ. मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी प्लीज प्लीज. जी जी. लेकिन बाय गॉड क्या पर्सनैलिटी पाई है. हाय हाय, हीरोइन हो तो ऐसी बैठो. शादीशुदा आदमी, उधर जाके बैठो. नहीं नहीं ठीक है ठीक है. हाँ मतलब क्यों नहीं. मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला नहीं आज तक. मैं भी नहीं मिली. आपके तो घर में ही है सारे. चेहरे पे नूर ही ऐसा है, पता नहीं भगवान का इनके साथ अलग ही कनेक्शन होता है. तमीज, नवाबों की जो तमीज होती है ना. जी जी. एक्चुअली इसमें वो एटिकेट से, जैसे रणवीर की जब शादी हुई. उसमें इनका क्या लेना देना. तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी. तो सर आप किधर हो? किधर, मैं आपको लेने आती हूँ, शादी रणवीर की. ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके. हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे. और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे, और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा गया मैं तेरी दीपू को ले गया. अच्छा ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई. पूरा शादी बताने की क्या जरूरत. मैं डायरेक्टर हूं ना, बिगनिंग इंटरवल क्लाइमेक्स पूरा होना चाहिए. और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ. धक्की टिक्की धक्की टिक्की धक्की टिक्की धक्की टिक्की. मैं खुद ही ना कहीं गाना शुरू कर दूं. तुम लोगों को मैंने ना पेमेंट ही मारनी, तुम्हें मरवा ही देना. मैं एक खिलजी को मैं भी जानता हूं. करूंगा तेरा पांडे, तू तो बड़ा ड्रम पीटता है ना तू. अच्छा वैसे कपिल, आप इतने एक्टर्स को मिले हो. जी सर. ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली. जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ थोड़ी बोल सकते. सर पूछ रहे कभी मिले हो. जले पे नमक छिड़क दिया. ये जो टीवी आता है
जिसपे हम हर शनिवार आते, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी वाइब जैसे आपको लग रहा था। पहली बार देखा, पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से? जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी मैं समझ गया, नमक तो मेरे लिए ना बोला ना। चलिए इनका हक बनता है। तो सिम्बा की स्टार कास्ट हमारे साथ है, एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारा के जो फादर साहब हैं वो सैफ अली खान साहब हैं, इनकी जो मम्मी है अमृता सिंह, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। सारा अब तो आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में आपका कोई इरादा था एक्ट्रेस बनने का? 4-5 साल से यही इरादा था, जब तक अच्छा। इरादा रहा है यही इरादा था। वाह, ये हैं प्रैक्टिकल बच्चे। इनको क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड। एक अपना चंदन है ना जो आया था, याद तेरी आएगी, वो बचपन में छोटा था ना, बचपन में सारे छोटे होते वैसे। अपने पापा को बोलता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, 5वीं तक आया ना उसको अपनी औकात पता चल गई। कहता मैं बड़ा होकर ना ऑटो चलाऊंगा। 8वीं क्लास तक आया उसको और पता चल गया कि ये भी काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसे पता चला कि मैं दुनिया में उधार मांगने आया हूँ। अच्छा इनका अच्छा है शादी दीपिका से, डांस सारा हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले शादी में आए तुम जो। अपनी अपनी किस्मत। कपिल इंप्रेस हो गई। ये वाले हैंड माइक पे जैसी आवाज आई आपकी, मेरी तरफ देख के कहती है वाओ। वो तो मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ ना, ऐसा होता है वेलकम टू। मेरा बेस बड़ा है वैसे देखो। अरे सारा बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो। कोशिश तो यही थी कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं तो रिश्ते में तुम मेरी भतीजी लगती हो। तो अच्छा रोहित सर, जब भी कोई डायरेक्टर कोई फिल्म शूट करता है या प्लान करते हैं, तो आप लोग ये देते हो कि अच्छा मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ये एक्ट्रेस चाहिए या ये एक्टर चाहिए। सारा ने तो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और मेरे ख्याल से पहली फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हुई थी केदारनाथ। तो सर आपके मन में कैसा एक ख्याल आया सारा को लेकर, बताइए। नहीं कहिए सर, इतनी स्वीट स्टोरी है। बहुत लंबी कहानी है सर, सुनाइए, 1 घंटे का एपिसोड है। फंसाओगे। ये लड़की ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को आपके साथ काम करना है। मैसेज सर, मैसेज एक होता है। अब मैं ऐसे कैसे बोलूं कि तुम बोलो खुले से सर। सर 15-20 मैसेज आए। नहीं 4-5 है, इतना भी नहीं, ज्यादा है। 5 से ज्यादा है। 5 सर ज्यादा है। 6 बढ़ रही है अभी आस्ते आस्ते। 6 ज्यादा। 6 सो मैंने सारा को रिप्लाई किया कि एक काम करो आप ऑफिस आ जाओ। तो मुझे लगा कि सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी है, 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, 3-4 मैनेजर होंगे। अच्छा। मैनेजर के मैनेजर होंगे, बॉय होंगे बॉय के बॉय होंगे, आजकल नया कल्चर है। सो ये लड़की आई तो आई थिंक स्नेहा थी मेरी चीफ एडी। मैंने बोला किसके साथ आई है? बोले अकेली है सर। मैं अकेली है? मैंने आ जाओ भाई अंदर। आई मैं वहाँ पे आ गए। हाँ मैं तो चलते चलते आ गई ऐसी। उसके बाद सर ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे ही बोलते हैं कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। क्या बात है। फिर रात को सोचा भाई तू इमोशनल होके फिल्म तो दे दिया इतनी बड़ी पिक्चर में तेरा क्या। और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहा है ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप किसी के भी बेटे हो किसी की भी बेटी हो, जब तक आप में वो टैलेंट नहीं है लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको ही क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और एक बात और, ना मुझे सैफ ने फोन किया ना मुझे अमृता जी ने फोन किया, दोनों ने मुझे फोन भी नहीं किया कि एक बार सारा को मिले। पूरा सारा का जो स्ट्रगल है वो सारा का खुद का स्ट्रगल है। क्या बात। सारा आपको सारी जिंदगी में ये सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया होगा। सुपर्ब सुपर्ब। मेरे पास भी एक कहानी है
जी जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अब मैं और भी डर रही हूँ। याद है तुझे हैदराबाद? तो सर मैं गया था बहुत बड़ी शादी में नाचने, हाँ फुल परफॉर्मेंस, मतलब 6-8 मिनट के 2 एंट्री करके आपका भाई बहुत ही थक गया था और मैं पसीने में लथपथ आ गया हूँ वैन में वापस। और मेरी सांस मतलब मैंने पकड़ी नहीं कि कोई आके कहता है सारा अली खान मिलने आई है आपसे, तो मैंने कहा हाँ यार मिला दो। मैंने कहा ठीक है आएंगी, हम मिलेंगे, हाय हेलो, शायद एक फ़ोटो भी मांग लें, फ़ोटो करके वो गुड नाइट। ये जो आई है एक सहेली के साथ, मैंने बोला भी नहीं तशरीफ रखिए आ गई, आपने बोला आइए, झूठ क्यों आइए, तशरीफ रखिए और 1 घंटे तक जाइए मत, ये नहीं बोला था। मैंने पसीना पोंछा नहीं और ये पहुंच गई है वैन में एक सहेली के साथ और ये और सहेली अपनी खुद की पार्टी कर रहे हैं मेरे वैन में। इतना एंटरटेन किया मुझे 1 घंटा और फिर याद इसलिए आया क्योंकि मुझे भी बोल रही है अच्छा कौन सी पिक्चर करी हो बताओ बताओ कौन सी पिक्चर करी, सिम्बा मैं कर सकती हूँ ना, सिम्बा मैं कर सकती हूँ, और कौन सी पिक्चर, गली बॉय मैं कर सकती हूँ ना, गली बॉय मैं कर सकती हूँ। पर यार ये कैसे बोलते सबके सामने। आपने क्या बोला, नवाब की बेटी है जी, इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह माय गॉड, ये मुझे पता था ऐसे होने वाला है। फिल्म में एक बर्थडे सीक्वेंस है तो शूट चल रहा है रात कुछ 12:30 बज गए नाइट में, बर्थडे इसी का 12 बजने वाले थे, खुद ही बता रही है अब देखो। तो केक कटने का शॉट चल रहा था, अब इमोशनल होके ना आंखों में हल्की नमी लाके आंसू लाके मेरे को बोलती, आपको पता है सर मेरा वाकई में आज बर्थडे, और हम सब इमोशनल हो गए, अरे केक लाओ बच्ची का बर्थडे ये वो, फिर ना हंसने लगी, हे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा कैरेक्टर है सर, केक खा के इतना मजा आया। एक गोवा में शूटिंग कर रहे हैं हम, गोवा में शूट कर रहे हैं सर, एक ही बोलना था। अगले दिन सुबह जाने हैं, सारे फोन खोल दिए, अगले दिन सुबह सब जा रहे हैं मुंबई वापस, तो बोला सारा तू कितने बजे की फ्लाइट में, 12 बजे की, हे 7 बजे की। अजीब फितूर है सर, वही अमीर बच्चे ना झूठ भी कितने अच्छे हैं, आज मेरा बर्थडे है, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे गरीबों को झूठ भी वैसे होते, स्कूल ही ना जाते, सर मेरे पेट में पथरी हो गई सर, कल स्कूल क्यों नहीं आए सर, हम डैडी नहीं देखते सर, गरीबों के दादा दादी तो इतनी बार मरे हैं ये पूछ रहे हैं, दर्जनों में मार देते हम, क्यों नहीं आए, दादी मर गई, दादा फूफा मर गए। एक्चुअली होता ये पर इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह प्लीज वेलकम, ये तो होना चाहिए, हरकतें देखोगे आप भूल जाओगे क्या करो सर को, क्या वो तुम करती हो क्या करो खरा बैठ के कर लूं। सारा आज सारा का सारा टैलेंट दिखाएंगी हमें, टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। जब पहली बार किया ना तो हम लोग को ऐसा हार्ट अटैक आ गया, ये क्या कर रही है। अच्छा हाईलाइट ये है पाजी, हमने पूरी फिल्म बनाई तो हमको पता है इन एंड आउट कैसी, और ये भाई साहब बोल रहे नवाब आया है, नवाब की बेटी आई है, पता नहीं है पिटारे में से क्या निकलने वाला है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, निकला घाट को पर। चेन्नई एक्सप्रेस 2 में थंगावल्ली की प्रैक्टिस। देखो बार बार दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने जानबूझ कर, आप देख रहे हो ना हर बात में आ रही ऐसे, आपको दर्द हो रहा है। आप लोग रिहर्सल करके आए हो ना मुझे चिढ़ाने के? नहीं सर, बस चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वहीदा रहमान थी उसमें, मैंने देखी है सर वो फिल्म। और रणवीर सेट पे आता था और तभी हमको पता था कि दोनों की शादी होगी, ऐसा रोमांस ऐसा प्यार दोनों में, आंखों आंखों में मस्ती। हमें ऐसे थोड़ी मिली मुझे कप्पू, मेहनत की मैंने,
आपको 12 से लेकर आज तक जो फिल्में की है उसने, मैं हर सेट पे गया, हर सेट पे, हर सेट। बार बार देखो कैसे बोल रहे हैं। मुझे पता है एक बार दीपिका यहाँ पे आई वो फैनी फिल्म के लिए, उसमें थे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण, मैं देखूं बाहर एक बंदा घूम रहा है पास जाकर देख, मैं कहा ये फिल्म में है कि फिर बाद में चले फिल्म में नहीं है, खाली वैनिटी में ही है, उधर ही बैठे हुए थे ये। रणवीर मैं पंडितों का लड़का हूँ, पाप लगेगा, ज्यादा चिढ़ाओ मत मुझे। ओके मैं सारा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैंने सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा रणवीर के आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं अर्जुन कपूर, वो भी गोलू मोलू से हुआ करते थे जी? उसके पहले सोनाक्षी मेरी बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, वो भी गोलू मोलू से हुआ करती थी, वरुण बड़े गोलू मोलू हुआ करते थे। अच्छा ये रोहित सर ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं, मतलब क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस वैसे सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा, बचपन में एक्चुअली सारे होते हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी, दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा जी, तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी, नहीं तो फिल्म रिलीज हो चुकी, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है, तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू मैंने यार तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले, क्या तो मुझे बता देते मैं कोई और काम ढूंढ लेता, मैं मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए। तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला सर शादी तो इसी से करूं, जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू। तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा सारा जैसे हम लोगों को तो खैर आप तो नवाब फैमिली से हैं, हम तो बस ऐसे ही बस जुराब फैमिली कह लो जो भी कह रहे अपना, तो मतलब हमारी तकरीबन जुराबें जो होती ना अंगूठे से फटी होती हैं, हमारा अंगूठा ऐसे बाहर झांक रहा होता है ऐसे बचपन में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जुराबों पर पैसे खर्च क्यों करने, पहननी तो इसके अंदर ही है, तो जितनी भी अंदर वाली चीज़ें मैं पैसा खर्च नहीं करता उन पर। पर बचपन में माँ बाप से डांट तो सबको पड़ती है जी। सारा जितना मैं आपसे मिला हूँ आप इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट हैं, मुझे लगता नहीं आपको कभी कभी डांट पड़ी होगी। पड़ी है, पड़ती है, आज तक पड़ती है। अच्छा जी, मैं बहुत शरारती थी, हूँ, रहूंगी शायद, तो उस कारण मतलब हर हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरे घर पे, पर वो ये धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता कि उनकी सारा व्हाट आर यू डूइंग बिहेव योरसेल्फ, ये होती है अमीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी आपने? आ, बता। बताओ गरीबों की, गरीबों की ऐसे घुटनों में देखे ना मुंह ऊपर से कोहनी मारता बाप। चप्पल चप्पल ये फर्क होता है। मैंने सीरियसली आप कहते ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे पढ़ते अच्छा मैंने एक और चीज देखी है। बड़े घरों के बच्चे हैं ना, बच्चा गिर गया जैसे सारा कहीं गिर गई ना चलती थी, ओ बीबी आई यू ऑल राइट, क्या हुआ, हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुला, कॉल द डॉक्टर। हमारे ना हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती ना कि बच्चा गिर गया, 4 थप्पड़ और कर शरारत और मर दूं, ये हमारा हमारे साथ ऐसा होता है, ये हमारा नहीं। पर तेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, 1 साल से हिंदुस्तान हंसना भूल गया था, आज फिर से हंसेगा। लव यू पाजी, लोगों का प्यार ही है, नहीं तो हम बैठ के कोई ऐसी बड़ी कोई कोई बड़ी कोई साइंटिफिक बात तो करते नहीं है, हंसी मजाक करते हैं, और हमारे मेहमान भी इतने प्यारे आते हैं कि ये आते हैं इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, मैंने कहा जब आप लोग आते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं कि अपने आप ही हो जाता है बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, थैंक यू पाजी। अरे मेरा कप्पू कैसे है? मैं ठीक हूँ। हाय सिम्बाज, बैठो। हेलो, हाय हाय। ए कप्पू मेरे को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस क्या होता है वो, इंट्रोड्यूस? हाँ वही वही करना। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम
bin bulai, unprofessional, unplanned child on the earth, a very untalented, ignored and uncousins. अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना. वो क्या करते थे जाम? सेंटी. हाँ, पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर. ये मेरा कप्पू. अरे कुछ नहीं होता, अरे जो हो गया सो हो गया. होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता. ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का. एक साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया. शो शुरू हुआ, पता नहीं कहां कहां से रिश्तेदार आ रहे हैं. तो एक साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर. पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने. और अगर आप रिश्तेदारी की बात करें ना, मैं आपकी बहन हूँ. मेरी बहन हूँ? बहन हूँ, बहन हूँ. और मेरा दादा भी एक ही था. हमारा दादा है, लेकिन हमारी दादियों के बीच में 17 दादियों का फर्क है. मेरे दादा ने 56 मैरिजेस की हैं. तो ऐसी मेरी 700-800 कजन आपको मार्केट में मिलेंगी. फिर कब तक हम लोग अपनी बैठक में बिजी रहेंगे? कप्पू, इधर सिम्बा ये लोग आए हैं. आप इधर अपने रिसेप्शन की प्रमोशन पे आए लिए ना. ये तो पागल है सपना. रिसेप्शन की प्रमोशन कौन करता है? अरे ये रणवीर सिंह है, ये कुछ भी कर सकते है. लोगों को मूछ आती है लोग सेव करते हैं, इनको मूछ आती है फिल्में कर लेते हैं. माय गॉड. और मालूम है इतना पाजी, इतना एनर्जी, माय गॉड इतना एनर्जी. इनकी ना रिसेप्शन पे एक आखिरी बंदा बचा था जिसको उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे. उसके साथ भी 4.25 घंटा डांस किया इन्होंने. वेरी नाइस. मतलब कुल मिला के ये सिंधियों के रजनीकांत हैं. ए सपना, मेरी बात सुन. आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है. हाँ. नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते. कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आई ली है मैं. और अभी इधर आई गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी. रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी. मेरी तरह है. चक्कर पता है क्या? सुन कप्पू, मेरे को ना गफ्फूर ने समझाया था. क्या? अगर बंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का. रोहित सर मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. क्या? अरे मेरा ना मुकेश के साथ लफड़ा था. हाँ? मेरा ब्रेकअप हो गया. आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे. अरे वो तो वो थोड़ा ना जानते मुकेश को. अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश. हाँ? वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती. हाँ, हाँ, हाँ. उससे पहले मुकेश की आती है. अरे फेफड़े वाला मुकेश. हाँ, वाला. इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं. मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का. उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से. अच्छा क्या छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था. अच्छा वही मुकेश, तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली इसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है. देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है. क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोले ला है मैंने. ऑलरेडी हो गया खोले ला है. तो अभी इन लोग को लेके जाएंगे. इतने सब खास खास मेरे ग्राहक भी आ गए इधर. तेरा दिमाग खराब है? वो हमारे शो में आए, तेरे पार्लर में थोड़ी ना आए. एक बात बोलूं कप्पू भैया? क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पार्लर में. कौन सा सेलिब्रिटी आते तुम्हारे पार्लर में? अभी दिखाती है मैं आपको. देखो वो, देखो खुद ही देख लो. इधर इधर किधर? उधर. हाँ पहला दिन है मालूम नहीं. नमस्कार देवी और सजनों, अगर आप फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस ये रहे. ए सपना ब्यूटी पार्लर, बी सपना ब्यूटी पार्लर, सी सपना ब्यूटी पार्लर या फिर डी सपना ब्यूटी पार्लर. शाहरुख सर. शाहरुख सर.
अबे येड़े तेरे को बोला था जो आर्टिस्ट बैठेगा उसका मिमिक्री नहीं करने का सामने। पकड़ी गई मैं पागल। चल बाद में बात करती। मैंने कब बोला था सपना ऐसे कब बोला था? सॉरी मेरा नया नया काम चालू है गलती हो गया। सुन मेरी बात, तुम्हें पार्लर वाला कुछ आता है बता भी है कि नहीं? बैठो। आता है सब आता है मेरे। एक बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो? हाँ उसके लिए तो देखो आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना सारा का हो सकता है। हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना। क्या ग्लो है सारा के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार। देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है। सेम टू सेम फीचर्स भी हमारे मिलते हैं। देखो कहाँ मिलता है तेरा फीचर है? फीचर वो शाही खानदान से तू शाही दवा खाने में पैदा होने लगा। बात करती है। अच्छा मेरे को शाही खानदान से याद है सारा, एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं, मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को। उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर, इतना छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा सा। तेरे को लगता है तू तैमूर का ख्याल रखवाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर, देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्या क्यों चाहिए? 1 करोड़ क्यों चाहिए? पागल है? ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी, दी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप बिना कपूर भैया। चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू। ए रानू। सपना तेरे को पता ना, सिम्बा में पुलिस वाले बने रणवीर। अरे हाँ, अरे कमाल के पुलिस वाले यार। पाजी पुलिस वालों को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है ना। ये तो इतने एनर्जेटिक है, 1 नंबर डायल करो सीधा घर पहुंच जाते। 0 डायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैं ना आपका सबसे पहले क्या कौन? ओ अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? हाँ दीपिका, रणवीर मेरे कब्जे में। अगर सही सलामत वापस चाहिए तो 10 करोड़ रुपया भेज दो। हाँ देखना, नहीं तो हनीमून भी डिले हो जाएगा। हाँ ओके भाई। अरे कोई टेंशन नहीं, आप तो सिंधी हो, 10 आएंगे अपन 5-5 बांट लेंगे। देखो ये पार्लर तो एक बहाना था, बस रणवीर को गले लगाना था और पहले ही एपिसोड में इन सब से ऊपर आना था। थैंक यू, लव यू, लव यू रोहित सर। यहाँ आ जाओ सपना। क्या बोल रहे? एक बात पाजी मैं बोलना चाहूंगा ये शो की, कि ये दो चेहरे, इनसे बेहतर टेलीविजन पे एक्टर्स है नहीं। क्या बात। और हम लोग ने सोनी पे ही शुरुआत की थी, ये सब नया आए थे, मैं जज था। और फिर एक बार वापस ऐसा हुआ कि 10 साल बाद सोनी पे ही ये दोनों वापस आए साथ में। इनसे बेहतर कोई नहीं है। क्या बात है, इनसे बेहतर है ही नहीं कोई। थैंक यू सर। मैं भी आपको कह दूं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना, थोड़ा अधूरा था। गुरु तू क्या आया, पूरा हो गया। मैं भी बोलना चाहूंगा, ये जो करते हैं ये जीनियस लेवल का काम होता है। क्या बात है। पूरे देश को, करोड़ों लोगों में इतनी खुशियां बांटते हैं अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से।
जोरदार तालियां. थैंक यू. और सिर्फ कॉमेडी नहीं, हर तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके से ये गाते हैं और जिस तरीके से ये डांस करते हैं. तो अब वक्त है फिल्म सिम्बा की कास्ट से एक और मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का. ये देखने में जितने सख्त हैं, इनका दिल जो है उतना ही नर्म है. प्लीज वेलकम द वेरी फिट, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड माई ब्रदर सोनू सूद. यहाँ पे विराजमान हो जाइए. जहां रहे वहां मस्तियां भरपूर कर दे. वाह. ये जो मांगे खुदा उसे मंजूर कर दे. वाह. है फौलाद की ताकत इसके मजबूत हाथों में. ओ. वो चाहे तो तरबूज को दबा के अंगूर कर दे. थैंक यू भाई. बड़ा फिटनेस फिटनेस फ्रीक शेयर मारा है आपने. बाउंड्री पे बाउंड्री लगा. बाउंड्री मौके पे चौका. परी सोनू परी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की मतलब तो है. गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ यार. हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं हर 6-8 महीने में, बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है और एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे सिक्स पैक्स निकल आते हैं. 365 डेज अ ईयर सोनू सूद. ये बंदा ऐसी पता नहीं कितने सालों से, मतलब अगर आप चाय के शौकीन है तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा. सोनू भाई एक बात सोनू भाई. ये सच्ची बात है. ये तो मैं दिखा दूं आपको. पता ही है हमने हमारे बार चेक करना ही होता है. चलो भाई चेक कर लो. है ओ यार. पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे. पाजी इतनी बॉडी बनाई है पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है. पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी. मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ. भाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ या राजकुमार राव के साथ जी. तो वो तो दुबले पतले हैं तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो. क्या बात है यार. परी जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार. हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे. दगा किया है मेरे साथ. पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ. पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते उनके भी इतने बड़े नहीं होते. अच्छा सारा जी, ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है. इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है. अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे. अब भाई सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता नेशनल लेवल की स्विमर है ये. रियली? हाँ मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ. पर मैं आपको, मैं स्विमिंग के कुछ होते ना क्या बोलते हैं उसको, नाम होते हैं स्ट्रोक्स के, तो मैं नाम लूंगा आपको बताना कैसे हैं. हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकती हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं. ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको. वाओ, ऐसे ही होता है. और बटरफ्लाई? नहीं, बटरफ्लाई है. ये तो शुतुरमुर्ग हो गया. कौन से नेशन की नेशनल स्विमर है ये? मैं बोलने वाली थी मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ. अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी. मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है, बैक स्ट्रोक होता है, वो नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता ही, आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है. उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है, एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं. नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए. कसम से. अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते, वही भैंसे नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं. जैसे अपना पांडे है ये स्विमिंग बड़ी करता है. अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना वो, उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है. वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है. और वो
अगर तो पुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है फूल के अंदर। अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर, वो बड़ा वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कच्चा। पाजी ऐसा हमने सुना कि सिम्बा में ना एक आंख मारने का मोमेंट था, इनसे हो ही नहीं रहा था। हाँ, गाना आंख मारे पाजी, हीरोइन को आंख मारना ही नहीं आता, सोचो मैंने कैसे शूट किया होगा। पर आंख मारना सर क्या मुश्किल है, मतलब क्यों नहीं पता नहीं, पूरा फेस हिल जाता है, हुआ ही नहीं किस तरह चीट कर, अगर आप गाना देखो तो कहीं है नहीं कि हीरोइन आंख मार रही है। सर इतने पोर खोल रहे हो, अब तो साक्षात दिख रहा है ऑडियंस को। यहाँ पे ट्राई करके देखो, हो सकता है फिल्म में थोड़ा आदमी कभी कभी ऐसा नर्वस हो जाता है। ट्राई करो, ठीक है। कैमरे पे सिद्धू जी को देखिए, जाइए कहाँ पे भी आपको मारो, ठीक है मारो, लगेगी जोर से, कोशिश करते हैं। दोनों आंखें बंद होती है इसकी, पता नहीं क्या। पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है भाजी, तो आंख मारते ना तो कई, जैसे अभी आपका एटीएम खुल जाता, मतलब ऐसे मुंह नहीं खुल जाता था कि आंख मारते, कई लोग आंख मारते ना ऐसे, या तो शेप बदल जाती है या दूसरी भी ऐसे बंद हो जाती है। किसी को यहाँ पे लगता है कि बड़ी अच्छी आंख मार सकता है वो, कोई हो ऐसे चालू आदमी कोई है जी, क्या करेंगे आप? बिना सर हिलाए मारनी चाहिए, बिना मुंह खोले, मुंह खुल रहा है उसको, मेरे को ऐसा ना गुटखा खा के थूका। बड़ी शरारती वाली आंख, मूड के एक अलग एक्सप्रेशन, इनोसेंस वाली आंख, ये तो, और पूरा फुल चालू वाली आंख, खतरनाक बंदा है ये, फुल इनविटेशन वाली आंख, वैरायटी, अच्छा सिचुएशन। एक काम करना, आपका टैलेंट रोहित सर को पसंद आया, आप रोहित सर के ऑफिस जाना, वहां पे बाहर जो होगा उससे पूछ लेना कि करण जौहर का ऑफिस कहाँ है, फिर उनके ऑफिस जाना, फिर आगे पूछना कि यशराज क्या है, यशराज कहाँ है, तो ऐसे घूमते रहना आंख मारते रहना। साथ में आया कोई आपके, कि वैसे बाई चांस ही खूबसूरत लड़की बैठ गई है, बाई लक ये बंदा चालू है आंख माख मार रहा है आपको, तो कुछ कहा तो नहीं ना, मेरे भाई जैसा है। मेरी वाइफ ने इसके बारे में यही बोला था, मैंने देखा इंसान के ना कर्म ही आगे आते हैं, मैं लोगों को ऐसा बोलता तो मेरे साथ ऐसा होता है। बैठ जाइए भाई साहब, शुक्रिया। यो भाजी पाओ, नाइस टू मीट यू, भाजी राव। अरे अरे खुश हुआ, नमस्कार। धनुष में तीर, खाने में खीर, और बच्चा यादव की भैंसे के पनीर पे कभी संदेह नहीं करते। आप सभी लोगों को बच्चा यादव का प्यार भरा नमस्कार, और स्पेशली रणवीर सिंह जी को तो हुंकार भरा नमस्कार। अरे ज्यादा हुंकार हुंकार ना कर, पीछे जरा डकार ना निकल जाएगा। सर इन बातों की वजह से दीपिका पादुकोण कहीं चली गई। कपू शर्मा अब वो कीजिए, क्या मूव ऑन। अरे जी बहुत बड़े फैन है हम आपके, मतलब ये एक ही इंसान है यार तो देश में खुल्लम खुल्ला गोलमाल करके करोड़ों कमा रहे हैं। You really inspire me. मैं inspire, inspire. अच्छा सबका इतना मतलब पता है तो थोड़ा तुम भी inspire हो लो यार। उनका फिटनेस देखिए, अपना फिटनेस देखिए, बहुत जल्द देखिए। शर्मा बहुत जल्द आप हमारे जैसे ही दिखने वाले हैं। हम बता रहे हैं उसके बाद यहाँ पे खड़े हो कि आपका ये इंटरव्यू वाला काम तो हम कर लेंगे, लेकिन आप हमारा काम कैसे करेंगे क्योंकि आपको तो जॉक्स आते ही नहीं है। Ha 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 ha
कमाल है भाई, बहुत मुश्किल होता है बिना गर्दन के जिंदगी जीना। सारा जी, यहाँ पर ये सब चलता रहता है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप बहुत क्यूट हैं। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें धोखा दीजिए ना। अबे धोखा नहीं, प्यार मांगते प्यार। देखिए प्यार तो हमको मिलने वाला है नहीं, आप हमें धोखा ही दे दीजिए, कम से कम हम लोगों से कह पाएंगे सारा अली खान ने हमें धोखा दिया। बात बन जाता है यार, थोड़ा ऐसा माहौल बनता है उससे, आजकल उतना भी चलेगा। वैसे सोनू जी, जी सर, सर व्हाट ए बॉडी, व्हाट ए बॉडी, अच्छा मानना पड़ेगा सर। लेकिन एक फ्रैंकली बात कहते हैं, आजकल ये एब वेब वाला बॉडी ना थोड़ा सा कॉमन हो गया है, इसलिए अलग दिखने के लिए हम ये बॉडी टाइप एक्सेप्ट किए हैं। ये और इसी बात को मैं कहना चाहूंगा, व्हाट अ बॉडी। सर एक और बात बताइए, आप कभी ऐसा बैंक से लोन लेते हैं तो खाली मूल मूल चुकाते होंगे ना? ऐसा क्यों? जो सूद दे देंगे तो इनका सोनू अकेला नहीं पड़ जाएगा? सूद अकेला पड़ सोनू बच्चा, ऐसा ही बोल दिया यार। बच्चा ये सैनिक क्यों लेके आया साथ में, तू अंधे नंगे पड़ूंगे? थोड़े नंगे तो हैं खैर। एनीवेज हम इनको इसलिए लेकर आए कपिल शर्मा, क्यों हमें पता चला है कि जब से रणवीर सिंह जी ने दीपिका जी से शादी किया है, एक आदमी है जो बहुत ज्यादा जूलियस चल रहा है। हम इनके प्रोटेक्शन के लिए लाए, लेकिन अब आपको ये सिम्बा गेटअप में देख हमें लग रहा है आपको प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। यू विल मैनेज? I'll manage. You'll manage. तो ठीक है, हम इन्हें जाने देते हैं। आक्रमण। नहीं 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 भाई, गलत वर्ड बोल दिया यार, वो दूसरा कुछ होता है वो, मतलब वो जाने को कहते हैं राजा लोग, क्या बोलते हैं यार? तकलिया 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 बर्खास्त। रणवीर जी, आप अपने शादी में 40 लोग को बुलाए थे, मतलब इनका चॉइस आप कैसे किए? मतलब इनकी पिंकी पॉन्ग के फादर एडर डॉन्ग ऐसे किए कि कोई लॉटरी वोटरी निकाले क्या? वो जो एकदम सबसे ज्यादा क्लोज है सिर्फ उन्हें बुलाया था। हम खाली इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके शादी के दिन मुंबई शहर में हलवाइयों के यहाँ इतने भटूरे नहीं फूले थे जितने लोगों के मुंह फूले थे। कपू शर्मा, आपने तो देखा होगा क्या आईना। वैसे आपको शादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सर। हम भी आना चाहते थे लेकिन हमारा वो एक पेपर रेडी नहीं था। कौन सा? वो शादी का इनविटेशन पेपर। तो आई वुड हैव ट्राइड टू कम, पर चले कोई बात नहीं सर। ये रखिए। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट नहीं है। आपके शादी में जो हमने पनीर सप्लाई किया था ना, उसका बिल है। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? पैसे नहीं दिए क्या? तूने कब इनकी शादी में पनीर सप्लाई किया? क्या प्रूफ है इनके पास? क्या प्रूफ है कि हमने पनीर नहीं सप्लाई किया इनकी शादी में? ये क्यों प्रूफ देंगे? अरे 5-5 रिसेप्शन दे सकते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते क्या? 18 भैंस का पनीर सप्लाई किया था, वो भी इटली तक। सोचिए सर, हाउ फार इट इज। कैसे गए तुम? हम पैदल गए। अबे इटली कितनी दूर है तुझे पता है? पैदल कैसे चला गया तू? कपू शर्मा देखे, एक तो इटली का बात आप तो कीजिए मत। इटली वो जगह है जहाँ पे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग ना शादी करता है, पंजाब में तो कोई भी कर लेता है। इनको शादी में देखे थे, शादी में बैठ के ऐसा पास्ता खा रहे थे इटली का फील लेने के लिए। ऐसा तो आदमी है यार। वैसे रणवीर जी, जी हमने अपने शादी का ना सारा का सारा फोटोज वोटोज देखा, ऐसा जूम कर करके देखा, आपकी वो साली दिखाई नहीं दी? कौन सी? भंसाली। <laughs> <laughs>
नहीं देखिए सर, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हमारे जोक में घुस रहे थे तो हमने घुसा दिया। ये पॉइंट पे हमको एक फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा, इसका एंटेना आप सर पे लगाए हुए? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अरे लीजिए, निक जोनस का फोन है। हाँ निकवा। हाँ बच्चा यादव बोल रहा है, आपने बिल के लिए, अपना पेमेंट के लिए फोन किए थे। हाँ वो फोन काट दिया यार। अरे कसम से सर, आपको बता रहे हैं, ये निक जोनस प्रियंका के शादी में निक जोनस सामने से हमसे कहे थे कि यार हमारे यहाँ जो गाजर का हलवा बनेगा ना, उस पर मावा तुम डालोगे। हम गए यार, हमने मावा डाला, हमसे कहते हैं कि मावा बहुत काला है। हमने कहा मावा काला नहीं है यार, तुम बहुत गोरे हो। इसलिए मावा काला लग रहा है। लेकिन सिद्धू जी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा पनीर जैसा मिल्की व्हाइट लड़का लाइफ में नहीं देखा यार। बजा इस साल सारी शादियों का हम तुझे मिला। हाँ सर, विराट अनुष्का के शादी में भी हमने ही पनीर सप्लाई किया था। हाँ अरे हाँ अरे जब हम अपना पेमेंट लेने गए, विराट स्टंप निकाल के हमारे पीछे भागने लगे यार, बोले गेट आउट। हमको लगा यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, अगर आउट कर रहा है तो शायद हम आउट ही होंगे। चले गए। लेकिन बच्चा भाई, जो इन सब शादियों से बड़ी शादी जो पंजाब में हुई, बहुत बड़ी, इनका शादी का बात कर रहा है? हाँ, तो वहाँ कुछ पनीर वनीर की पेमेंट मिली कि नहीं मिली? 24 रुपया प्लेट में कौन पनीर खाता है यार। चांस ही नहीं है। तो दाल में भी इतना पानी मिला के चलाए हैं, क्या बताएं आपको। चलो मैनेज हो गया किसी तरह, लड़का अच्छा है। आपके पनीर में इतना क्या है जो सब लोग यहाँ वहाँ मंगवा के खा रहे हैं, आपके भैंस की पनीर? अरे यार, रॉयल फैमिली ने हमसे बात किया आज। सर सर, मतलब देखिए, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारे पनीर में इतना इंटरेस्ट लिया है। सो इट इज लाइक दिस दैट हम करीब 7 अलग अलग कलर का पनीर बनाते हैं। ये एक ही कलर का पनीर बनाता है सारा? सफेद। कैसे? संडे को बनाता है, सफेद रहता है, मंडे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीला होने लगता है, फिर ट्यूसडे को थोड़ा और गाढ़ा पीला होने लगता है, फिर बुधवार को काई जमने लगती है, थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है, और धीरे धीरे सैटरडे तक आते काला हो जाता है। देखिए दुनिया वालों, दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे कि एक साल तक कपिल शर्मा कहाँ पे गायब थे। वो अपने घर में बैठ के हमारे पनीर को रंग बदलते हुए देख रहे। कितना फालतू टाइम है यार ये आदमी के पास। ये पनीर रंग बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। सारा जी, लेकिन आपको एक बात बताएं, हम अपनी भैंसिया को कभी ऐसा नींबू चटाते हैं ना, तो दूध की जगह वो डायरेक्टली पनीर देती है। लेकिन आप अगर अपनी भैंसिया को कभी ऐसे नींबू चटाएंगे, वो पनीर नहीं देगी। क्यों? वो शाही पनीर देगी यार, शी इज फ्रॉम रॉयल फैमिली। क्या बात, शुक्रिया यार, एक रॉयल जॉक भी मार दिया हम बीच में। खैर, हमारे पिताजी भी ना बहुत ही ऐसे नवाबी थे, खानदानी थे, कमाल के। हमारे पिताजी के इतने शौक थे ना नवाबी वाले, एक बार तो हमारे पिताजी ऐसे नहावा के निकले तो टावल से पीठ पोंछते ना लोग, वो नहीं पोंछे, हमारे पास भैंसिया वैसिया है ना, उन्हें एक बछड़ा लेके अपना पीठ पोंछ लिए। उनको मजा आता है। पहले पहले पिताजी को मजा आता था, फिर बछड़े को मजा आना शुरू हो गया। अभी वो बछड़ा इनकी आधी जायदाद में हिस्सेदार है। ये बच्चा यादव, ये बछड़ा यादव। देखिए कप्पू शर्मा जी, जब यहाँ पर मैं, रणबीर सिंह जैसा दो सेम लेवल के लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में ऐसा दिल टूटे लोगों को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तेरा और रणबीर का सेम लेवल कैसे? मतलब सेम एनर्जी लेवल। यार हमारी भैंसिया का जो दूध पीता है ना, ये लेवल रहता है उसका, सच बता रहे। अरे हर जना हजम नहीं कर सकता हमारी भैंसिया का दूध। अरे कल सर आपको बता रहे, सर परसों के दिन पे हमारे ताऊ जी ने हमारी भैंसिया का दूध पी लिया। फिर क्या, रात भर खेत में जाके ततर 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 तत
सर आप लोगों से लेकिन आज जो मुलाकात हुआ है ना, आई कांट टेल यू, इतना खुशी मिला है हमको यार. मतलब चलो पनीर का पैसा नहीं मिला चलता है, लेकिन दिल मिल गया. इतने बड़े लोगों से दिल मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है. आप लोगों का फिल्म आया है, हर बार आप एक से एक रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा. लेकिन सर रणवीर जी, हमारा खुद का एक रिकॉर्ड है, वो आप ब्रेक करें तो हम जाने. बताइए कौन सा रिकॉर्ड है. हमारे 11 बच्चे हैं. बड़ा दम चाहिए. देखिए, टेक योर टाइम, नो रश. कम से कम 11 बार और आपका दिल टूटने वाला है. बच्चा हाँ, जोक तो सुनाया नहीं तूने एक भी. अरे जोक, अरे सर हम आपको बता रहे हैं सर, सारा जी सर, हमारा ना एक जोक्स का पिटारा लेता है. सब कहते हैं हम बहुत फनी है, ऐसा सब लोग मानते हैं, तो एक माहौल बनता है. तो हमारे पास जोक्स का एक पिटारा है, आपको एक जोक सुनाते हैं. ठीक है. अपना ये जो सूरज का धूप होता है ना, सूरज का धूप कभी एग्जामिनेशन में बैठेगा तो कभी फेल नहीं होगा. बताइए क्यों? क्योंकि धूप रोज पड़ती है. पड़ती है. नहीं, नहीं, नहीं. अगर गुलाब को चांद पे जाने के लिए कहना है तो हम कैसे कहेंगे? गुलाब जामुन. यार बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं होगा. आई एम लिटिल. एक और कपू शर्मा के लिए एक पेश करें. कपू शर्मा आप हमें बताइए जी, जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी होता है हाँ, वो हमेशा ये क्यों कहता है कि अभी मैं बिजी हूं? पता नहीं, पूछिए हमसे. क्यों कहता, कहता है? बाद में बताएंगे, अभी मैं बिजी हूं. हमारी यहां पे एक प्रथा है, हम जब आते हैं ना, हम अपने सेलिब्रिटीज के लिए, दोस्तों के लिए लॉलीपॉप लाते हैं. इट्स ए गिफ्ट और यू लव इट. अरे आपका शक्ल से पता चल रहा है सर, आपके लिए नहीं और भी ऐसा नहीं, ये लीजिए. क्या बात. और ये सर, प्लीज प्लीज हैव. थैंक यू. प्लीज हैव, एंजॉय. खा सकते हैं? हाँ हाँ खा सकते हैं सर, खा सकते हैं. खा सकते हैं, खाइए ना, खाइए ना. लीजिए लीजिए प्लीज. सारा जी आप हैव ना. इनका पूरा लॉलीपॉप. एक मिनट, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. आप नहीं देखिए, हमारा बिजनेस है वहां पे. देखिए यहाँ सेलिब्रिटीज के झूठे लॉलीपॉप बिकते हैं. वो सारा का तो रह गया. बस बस बस, हो गया हो गया हो गया. आप खा लिए खा लिए. हो गया हो गया. अब ये नहीं नहीं ये उधर जाएगा. थैंक यू वेरी मच आप सबको. दुकान लगती है हमारी यहाँ पे. ये लीजिए, ये सारा जी का है, ये सर आपका. ये क्या किया सर आपने? ये लीजिए. अरे यादव जी. हाँ. दीपिका का मिलेगा. अरे यार क्या बात है, भेजा उनके लिए गिफ्ट फ्रॉम माय एंड. मुझे लगता है बहुत बड़ी बोली लगेगी उसकी. बात तो सही बोले हैं, ये बात ये सही बोले हैं ब्रो. वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा बिजनेस भी एकदम मतलब चार चांद लगा दिया. थैंक यू वेरी मच, हम चलते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगली बार फिर मुलाकात होगी. यो यो यो, चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सिम्बा की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब रोहित सर के लिए. सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, तालियां बजती रहनी चाहिए.
थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू रणवीर बाजी, थैंक यू सोनू बाजी. आई होप आपको मजा आया होगा यहाँ पे आज आके. जैसे गोलमाल अगेन आई थी और पिछले साल उसने छप्पर फाड़ दिया था, उसी तरह से कपिल शर्मा शो अगेन आया है और छप्पर फाड़ के रहेगा. थैंक यू सर, लव यू सर. आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला साल जो है वो भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और ढेर सारी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते रहें. कपिल शर्मा शो इज बैक, ऐसा साल हंसते हंसाते गुजरेगा. ऊपर वाला आपको दुआएं दे, आप जिस तरीके से खुशियां बांटते हैं, हमने आपको कितना मिस किया एक साल हम बता नहीं सकते. पूरी फैमिली सेम है सर, हमने भी बहुत मिस किया. साथ बैठकर ये शो देखती है तो बॉन्डिंग होती है. जिस तरीके से आप पूरे देश में करोड़ों लोगों के बीच में खुशियां बांटते हैं, ऊपर वाला करे आप ऐसे ही प्यार बांटते रहे. लव यू सर. मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज एक बार आप उनको हेलो बोल दीजिए. अरे हाँ. अमृता मैम हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर प्रोड्यूसिंग सो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. और पाजी एक चीज और जी, जी. आपको पता है कि जब मैं अक्सर पंजाब जाता हूँ, मोगा जाता हूँ, आपके अमृतसर जाता हूँ, हमेशा एक ही चीज का इंतजार होता है. हर लोग, हर जितने मेरे दोस्त हैं, एक ही चीज मुझे बोलते थे कि पाजी को बोलो जल्दी जल्दी शुरू करो यार, शाम का टाइम नहीं कटता यार, अभी कटेगा दोस्तों. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. गुड नाइट, थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.